नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर आज के अखबार के अंदर खबरें आई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली अपडेट की बात करूँ तो 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट को लेकर अपडेट आई है कि शिक्षा बोर्ड पहला परिणाम अगले सप्ताह जारी करेगा। 10वीं और 12वीं में से किसका रिजल्ट पहले आएगा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। साथियों, बोर्ड पहले सीनियर सेकेंडरी के विज्ञान और वाणिज्य संकाय का परिणाम जारी करेगा, यानी 12वीं का रिजल्ट आने वाला है और सबसे पहले साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट आएगा। उन्होंने अपनी लगभग तैयारी भी पूर्ण कर ली है, इसी कारण तो डेट बताई गई है कि अगले सप्ताह आपका रिजल्ट आ जाएगा। तैयारी लगभग पूरी है, दिक्कत अभी यह आ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स की कॉपियों के मार्क्स अभी नहीं आए हैं, तो परीक्षकों को अंक जल्दी भेजने के लिए निर्देश भी दे चुका है बोर्ड। आपको स्पष्ट शायद इसमें नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षकों को अंक भेजने की नोटिस जारी कर चुका है और आपका अगले सप्ताह रिजल्ट आ जाएगा। बात करूँ CBSE बोर्ड की, तो साथियों CBSE बोर्ड को लेकर भी आज ही न्यूज़पेपर में अपडेट आई है कि 902 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने मार्क्स अपलोड नहीं किए हैं, इस वजह से रिजल्ट को आने में देरी होगी। CBSE का रिजल्ट लेट आएगा क्योंकि 10वीं का रिजल्ट और 12वीं का रिजल्ट दोनों ही लेट आने का कारण सबसे बड़ा तो यह है कि उनकी एग्जाम लेट हुई, और एग्जाम लेट होने के साथ ही साथ अभी तक कई स्कूलों ने अपने मार्क्स भी अपलोड नहीं किए हैं। ऐसी 902 स्कूलें हैं जो CBSE ने कल लिस्ट जारी की है और उन्हें नोटिस दिया है कि जल्द से जल्द अपने नंबर ऑनलाइन अपलोड कीजिए ताकि रिजल्ट को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने भी चेता दिया है कि बोर्ड अब आगे डेट नहीं बढ़ाएगा, आपको 21 मई और 5 जून तक ये मार्क्स अपलोड करने होंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा।